हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो मेरा नाम है पेरो, आप देख रहे हैं न्यू वीडियो। तो दोस्तों, आज ये फोटो लेके आया हूँ, मतलब ये मैंने क्लिक करी थी अभी बारिश का मौसम है। देखो, फ़ोन से ही क्लिक की हुई फोटो है और इसको मैं एडिट करने वाला हूँ लाइट रूम में। तो वीडियो पूरा देखें, और अगर आप लोग ऐसी फ़ोटो कहीं पर भी क्लिक करना चाहते हैं तो आस पास लोकेशन पर क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, तो लेट्स गो। तो दोस्तों, सबसे पहले अभी इसको लेकर चलते हैं। अभी इसको सबसे पहले थोड़ा सा क्रॉप करते हैं चल के। अभी इंस्टा वाला साइज लेके आते हैं, जैसे इंस्टा पर अपलोड करनी है तो इंस्टा वाला साइज पे लेके आते हैं इस फोटो। ये अभी फ़ोटो क्रॉप, ठीक है। अभी क्रॉप हो गई, अब इसके बाद चलते हैं लाइट्स को एडजस्ट करते चल के। अगर आप लोग ऑटो करना चाहते हैं तो ऑटो भी यहाँ पर जाके कर सकते हैं, लेकिन ऑटो में कलर वैसे ऑटो में भी सही है। अगर जैसे मैन्युअली आप लोग करना चाहते हैं तो यहाँ पे इस पर जाके मैन्युअली कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन मुझे ऑटो ही सही लग रहा है, ठीक है। तो मैंने बता दिया आपको, अगर मतलब ऑप्शन दे दिया है तो आप लोग मैन्युअली भी कर सकते हैं। अब इसके पास फिर चलते हैं कलर्स पे, कलर्स ग्रेडिंग के लिए। अब यहाँ से थोड़ा सा टेम्परेचर ये सही है, और इसका टिंट देखते हैं करके, इसमें नहीं सही, ये सही लग रहा है। मतलब मौसम बारिश का है तो उसी के अकॉर्डिंग करना है, वाइब्रेंट सिचुएशन, ठीक है। अभी पता, जैसे ऑटो कर दिया था, ऑटो में सही लग रहा है, देख सकते हैं फेस भी सही है। तो अभी यहाँ से चलते हैं आप कलर्स पे, फोर डॉट पे चलें, फिर इसकी सिचुएशन। अब यहाँ पर पता, जिस भी एरिया में हम लोग क्लिक करके इसको लॉन्ग प्रेस करके स्लाइड अप या स्लाइड डाउन करेंगे तो उसका कलर्स ऑटोमेटिकली चेंज होगा, ठीक है। आप लोग देखते रहिए। तो जैसे यहाँ पर मैं लॉन्ग प्रेस कर रहा हूँ, ये देखो ग्रास पे, देखो इसकी देखो सिचुएशन पूरी, देखो डाउन हो गई। अब इसकी सिचुएशन बढ़ानी है तो अपसाइड कर रहा है, ठीक है। देखो सिचुएशन बढ़ गई, मतलब पता, जैसे ही कलर देखो बूस्ट हो गए और ये देखो सही लग रहे हैं। अब इसका हुए चेंज करना है, इस पर फिर से लॉन्ग प्रेस करो, नीचे गए, नीचे हुए देख लो, ऊपर का देख लो, पिक के अकॉर्डिंग ही करना आप लोग को, ठीक है। तो ये आ गया, थोड़ी सी लुमिनियंस इसकी चेंज करते हैं। लुमिनियंस मतलब लाइट बढ़ा सकते हैं, अगर इसकी लाइट बढ़ानी तो अपसाइड कर सकते हैं, लाइट कम करनी तो नीचे। बस थोड़ी सी लाइट सोच रहे कम करें तो फेस पर फोकस अच्छा हो जाएगा। ये देखो थोड़ी सी कम करिए, आप सही लग रही है, ठीक है। अब इसके बाद इसे यहाँ से वैसे फेस की, अगर देखो जैसे फेस की लाइट बढ़ानी तो लुमिनियंस पे जाओ, इस पर क्लिक करो, लुमिनियंस पे जाओ, और जो स्किन वाला कलर है स्किन यहाँ पे देखो डाउन कर सकते हो। ये तो टी शर्ट पे क्लिक हो गया, ये देखो यहाँ से देखो स्किन का डाउन हो गया, देखो स्किन का बढ़ भी गया, अगर आपको बढ़ाना चाहते हैं, ठीक है। ठीक लग रहा है वैसे, कोई दिक्कत नहीं, बढ़ाने कोई ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ से इसको डन कर लेते, ठीक है। आप फिर से चलते हैं, इसका थोड़ा सा टेक्सचर बढ़ाएंगे चल के, थोड़ा सा टेक्सचर देखते हैं जम करके। देखो थोड़ा सा टेक्सचर बढ़ाया, थोड़ी सी क्लियरिटी को थोड़ा सा डाउन किया, ठीक है। अब यहाँ से फोटो को आप बिगिनर थोड़ा सा कम करते हैं, पूरा फोकस हो गया फेस पे, ठीक है। ये हो गए। अब इसके बाद फिर थोड़ी सी नॉइस रिडक्शन को बढ़ाते हैं, ठीक है। साफ कर सकते हैं तो नॉइस रिडक्शन का ऑप्शन ऑन हो जाएगा, ठीक है। देखो जैसे थोड़ा सा बढ़ाया बस, अब यहाँ से इसको डन करते हैं सीधा। अगर आप लोग यहाँ पे और भी कलर चेंज करना चाहते हैं तो आप, सॉरी रुकना, फिर से अगर कोई भी कलर चेंज करना चाहते हैं तो आप लोग चेंज कर सकते हैं कलर्स पे जाकर। जैसे इधर कलर्स पे गए, इधर गए, अब यहाँ से कोई भी कलर चेंज करना है, जैसे इसका चेंज करना है, ये देखो हो गए पहले, ये देखो चेंज हो गए, ये आपको उस हिसाब से करना है, ठीक है। हमें कम नहीं करना है, यहाँ से ये किया, डन किया सीधा, ठीक है। यहाँ से फोटो में सेव करने वाले, ये सेव करिए।